वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फीटल पोल के ना बनने का या फीटल पोल के ना दिखने का कारण क्या होता है। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी कितने दिनों की है, और उसे पता करने के लिए आपको आपकी लास्ट पीरियड डेट, जिसे LMP डेट या लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट कहते हैं, इसका पता होना चाहिए। ये वो दिन है जिस दिन आपको अंतिम बार पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी। तो मान लीजिए कि आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ 28 दिनों की है और आपने 28वें दिन तक अपने पीरियड्स आने का वेट किया जो कि नहीं आए, और फिर आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपको लगा कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको कुछ साइनो सिम्टम्स लगे प्रेगनेंसी के। टेस्ट करने पर आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइन शो हुई, सो फिर आपको कन्फर्म हुआ कि आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, तो यहाँ तक एक प्रेगनेंसी की टाइमलाइन होती है। इस टाइमलाइन को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप जानना चाहते हो कि फीटल पोल के ना बनने का, उसके डेवलप ना होने का कारण क्या है, फीटल पोल के ना दिखने का कारण क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ आपने सपोज की है कि 28 दिनों की है, तो इस साइकिल के मिड साइकिल में, मतलब कि 14th डे के अराउंड ओवल्यूशन होता है। अब ऐसा नहीं है कि ओवल्यूशन का डे भी फिक्स हो, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सो मान लीजिए कि 14th डे पर ओवल्यूशन हुआ, इस बीच आपका फिजिकल इंटरकोर्स हुआ और जो आपका पार्टनर है उनके जो स्पर्म हैं वो आपके ओवरी से रिलीज एग के साथ मिले, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर एक बात को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब ये फर्टिलाइज्ड एग बनता है तो इसमें 46 गुणसूत्रों का एक पैकेट होता है, जिसमें से 23 गुणसूत्र आपसे आते हैं और 23 गुणसूत्र मेल पार्टनर से आते हैं, मतलब कि आपके पार्टनर से आएंगे। और फिर एक सेल बनता है, उसके बाद इसमें सेल डिवीज़न होता है, फिर एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर 8 से 16 सेल का डिवीज़न होता है। इस स्टेज पर जब सेल 12 से 16 स्टेज पर पहुंचते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसे मोरूला स्टेज कहते हैं। उसके बाद जब ये स्टेज डबल होती है, मतलब कि 16 से 32 सेल तक जब ये सेल पहुंच जाते हैं मल्टीप्लाई होके, तो इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तब तक ये जो फर्टिलाइज एग है, मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो आपके यूट्रस तक पहुंच जाता है और वहाँ पर ये इम्प्लांट होता है। जब इम्प्लांट होता है तो कई बारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और आपको प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स भी शो होने लग जाते हैं। जब ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है तो फिर ये अपनी कुछ जगह बनाता है और कुछ इसके सेल्स बाहर की साइड निकलते हैं, इसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, एक लेयर बनती है। और इसी ट्रोफोब्लास्ट से एक और सेल का निर्माण होता है जिसको सिंशियोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये सिंशियोट्रोफोब्लास्ट एक हार्मोन को बनाता है जिसे बीटा SCG हार्मोन कहते हैं। ये वही हार्मोन है जिससे आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड ने इस हार्मोन को डिटेक्ट किया था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आपको उसमें 2 लाइन मिली, ये बात इस बात को दर्शाता है कि जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस में पहुंचकर प्रॉपरली इम्प्लांट हो गया है। फिर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो अल्ट्रासाउंड में आपको प्रेगनेंसी की 3 शुरुआती प्रोसेस होती हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। जानते हैं वो प्रोसेस कौन सी होती हैं, वो झलके कौन सी होती हैं। पहली झलक होती है जेस्टेशनल सैक का दिखना, नंबर 2 योक सैक का दिखना, नंबर 3 फीटल पोल का दिखना, और देन फीटल पोल के बाद आपको बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है। अब इस सिचुएशन में जब फीटल पोल नहीं दिखता और उसके ना दिखने के कारण की बात आती है, तो पहला जो कारण होता है वो होता है कि या तो
आपने अल्ट्रासाउंड बहुत जल्दी करवा लिया है, क्योंकि जब जेस्टेशनल सैक दिखता है तो उसके लगभग 7 से 10 दिन के बाद हमें योग सैक दिखाई देता है, और योग सैक के दिखने के लगभग 5 से 7 दिन के बाद हमें फीटल पोल दिखाई देता है। कौन से अल्ट्रासाउंड में? एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में। अब अल्ट्रासाउंड भी मैंने आपको जैसा पिछली वीडियोज़ में बताया है कि दो टाइप के अल्ट्रासाउंड होते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड, जिसे ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जो कि पेट के ऊपर से होता है। नंबर टू इंटरनल अल्ट्रासाउंड, जो कि वजाइना के रास्ते से, योनि मार्ग से होता है, जिसे ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में फीटल पोल लगभग 6 वीक 5 दिन के अराउंड दिख जाता है, लेकिन वजाइनली अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ये चीज़ें आपको लगभग 7 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको दिखाई देती हैं, क्योंकि वजाइनली अल्ट्रासाउंड करने पर यूट्रस थोड़ा पास में दिखता है और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करने पर यूट्रस थोड़ा दूर दिखाई देता है। ठीक है, सो अगर आपके 6 वीक 5 दिन कंप्लीट हो गए हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें आपको फीटल पोल नहीं दिखा, तो पहले तो आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखनी है। अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको जेस्टेशनल सैक दिखा है, तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अल्ट्रासाउंड 14 दिन के बाद करवाना चाहिए। वहीं अगर आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जेस्टेशनल सैक के साथ योग सैक दिख रहा है, तो आपको अल्ट्रासाउंड 11 दिन के बाद करवाना चाहिए। लेकिन दोबारा रीस्कैन हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, और उसमें आपको सेम सिचुएशन दिख रही है, फीटल पोल नहीं दिख रहा, तो उसके ना दिखने के या फीटल पोल के ना बनने का पहला जो कारण है वो ये है कि जो मदर से और फादर से गुणसूत्रों का जो जोड़ा बना, 46 गुणसूत्रों का जो जोड़ा बना, अगर उसमें कमी होगी, मतलब मदर से 23 गुणसूत्र मिलने थे, अगर 22 या 24 मिले, कम ज़्यादा हुए, तो जो टोटल गुणसूत्र बनेंगे वो भी कम या ज़्यादा होंगे, या फिर फादर से जो गुणसूत्र मिले हैं वो कम ज़्यादा हुए तो टोटल गुणसूत्रों में कमी आएगी, या अगर गुणसूत्र 46 हुए जो पैकेट बना और सेल डिवीज़न जो हुआ है अगर उसमें कोई मैकेनिकल कमी आ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें फेलियर के चांसेस भी हैं, ठीक है, तो अगर इन सब में खराबी आ जाती है तो फिर आगे जो प्रेगनेंसी है वो प्रोसेस नहीं होगी, नेचर उस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देती है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना भी अच्छा है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी आगे ग्रो होती और बेबी का बर्थ होता तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर आता, तो नेचर अगर इतनी सी भी प्रेगनेंसी में कमी रहती है तो उसको रोक देती है। और जो दूसरा कारण होता है वो है यूट्रस के अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर है, एंडोमेट्रियम, उसकी लेयर में कोई खराबी होती है और प्रॉपरली जो इम्प्लांटेशन है अगर वो प्रॉपर नहीं होता तो भी प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं होती। तीसरा कारण हो सकता है कि स्पर्म में किसी प्रकार की खराबी है, या मदर का जो एग है उसमें किसी प्रकार की खराबी है, या मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई लंबे समय से किसी प्रकार की डिजीज़, कोई बीमारी चल रही है, या फिर कोई लंबे समय से कोई मेडिकेशन का कोर्स है, बीपी, शुगर, थायराइड या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है, या हार्मोन्स ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं, मदर को किसी प्रकार की बीमारी, कोई डिजीज़, कुछ भी है, तो भी प्रेगनेंसी के फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। वहीं अगर कई लोगों ने IVF करवाया है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके कंपैरिजन में जो IVF है उसके सक्सेस रेट थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको फीटल पोल नहीं दिखा है तो पहले तो आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखनी है कि उसमें क्या आया है। अगर जेस्टेशनल सैक है सिर्फ तो आपको 14 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, अगर योग सैक भी आया है तो आपको 11 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने पर अगर प्रेगनेंसी प्रोसेस नहीं करती तो आपको कुछ स्पेशल टेस्ट करवाने पड़ते हैं, बीटा SGG या फिर ब्लड टेस्ट प्रोजेस्टेरोन का करवाना पड़ सकता है, या फिर वजाइनली आपको दोबारा से सोनोग्राफी करवानी पड़ सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो प्रेगनेंसी के 8 हफ्ते होते हैं ना, मतलब आपकी लास्ट पीरियड डेट के अकॉर्डिंग जो 8 वीक्स कंप्लीट होते हैं,
वहाँ पर फीटस के जितने भी ऑर्गन्स बनने होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी के 9 वीक्स पर बच्चे की दिल की धड़कन ट्रांसवजाइनली दिख जाती है, और अगर नहीं दिखती है तो कोई ना कोई इशू है जिसे आप ब्लड टेस्ट के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हो। अगर ब्लड टेस्ट से भी कंफर्म आता है तो आप चाहे जितनी भी मेडिकेशन का यूज़ कर लो, चाहे कितने भी प्रिकॉशंस आप ले लो, ये प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं होगी। और इस प्रेगनेंसी को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके रिगार्डिंग आप चाहें तो मेडिकली इस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो सर्जिकली इस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हो, जिसके रिगार्डिंग आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।